ठाकुरगंज प्रखंड के नए प्रखंड कमेटी का गठन हुआ, नए प्रखंड अध्यक्ष आज चुने गए, क्या शुभकामनाएं रहेगी और आने वाले चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? आज यहाँ पर ठाकुरगंज में, चूँकि हमारे जो प्रखंड अध्यक्ष हैं वो तो चले गए, तो उनकी जगह पर किसी को हम लोगों को ये करना था, तो पहले ही नाम हम लोगों ने प्रदेश भेज दिया था, वहाँ से स्वीकृति मिल होकर के आ गई है। तो आज हम लोगों ने ये सम्मान वाला प्रोग्राम यहाँ किया है, इसमें हमने सालिम भाई जो हमारे यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष उनको बनाया गया, और हम इनसे उम्मीद करते हैं कि पूरे प्रखंड के सभी विंग के लोगों को जोड़ेंगे और जोड़ करके संगठन को सबसे ज़्यादा मजबूत करने का काम करेंगे, और ताकि संगठन मजबूत होगा तो आने वाले चुनाव में हम लोग भी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ पाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छे अपने काम में इनका सराहना करेंगे कि आगे इनसे उम्मीद की जाती है कि आप काम में अपना किसी तरह की वो होता ही नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए 2025 में विधानसभा चुनाव हो, इसके बावजूद राजद के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो ये तो हमेशा से रहा है कि कुछ लोग जुड़ेंगे कुछ लोग हटेंगे, तो ये सिलसिला रहता है। तो ये अच्छा है कि वक्त से पहले ही कुछ लोग चले गए, ताकि उनके अंदर क्या चल रहा था वो हम लोग को पहले ही जाहिर कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे लोग, हम लोग चाहते भी नहीं कि संगठन में या पार्टी में ऐसे लोग रहें जो आस्तीन का सांप बन करके रहे और फिर आइन वक्त में धोखा दे। अच्छा हुआ कि चले गए हम, बाकी सारे लोग जुड़े हुए हैं, इंशाल्लाह सब संगठन मजबूत है, काफ़ी मजबूत। जो चले गए उन्होंने तो पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाए कि राजद के साथ धोखाधड़ी की, आदमी को अपना जो अपने ऊपर है कि पार्टी ने उन पर कितना कुछ किया, पार्टी उनको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, कहाँ किन किन लोगों से मिलाया। हम लोग जानते हैं अध्यक्ष जी हैं, हम विधायक होने के नाते जिनके तरफ आप इशारा कर रहे हैं, यहाँ से लेकर प्रदेश से सभी लोगों से मिलने का और जो सम्मान और इज्जत जो मिलनी चाहिए थे, आप लोग भी देख ही रहे होंगे हर प्रोग्राम में कि हम किस तरह सब लोगों को इज्जत देते हैं, ये करते हैं। अब किसी को क्या कहें, मिसाल तो नहीं देंगे, इज्जत किसी को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो लोग चले गए। अच्छा हुआ चले गए, ताकि मतलब कल हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। ठाकुरगंज प्रखंड में नए कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी दी गई, क्या लगता है इनके आ जाने से संगठन कितनी मजबूत होगी? वैसे आरजेडी पार्टी का संगठन पूरे बिहार में मजबूत सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, और ठाकुरगंज एक विधानसभा है कि पूरे सीमांचल में अगर कोई आरजेडी का विधायक दिया है काफ़ी दिनों के बाद, तो ठाकुरगंज विधानसभा ही दिया। मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा। माली के जाने से बगान कभी खाली नहीं हो जाता है। प्रखंड अध्यक्ष जाने के बाद आज हमारे जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक बड़े भाई कमल रजा साहब की अध्यक्षता में दो अध्यक्षों का चुनाव किया गया है, कन्वर्टिफिक्शन हो गया है। एक हमारे छोटे भाई मकबूल भाई हैं जो काफ़ी मजबूत, लगनशील और एनर्जेटिक है, हर तरह से सुखी संपन्न भी है, और पार्टी में पिछले 10-15 सालों से बगैर स्वार्थ के रहा है। इनको आज युवा के प्रखंड के अध्यक्ष बनाए गए हैं पूरे प्रखंड के, और सालिम विधायक प्रतिनिधि भी हैं, उनको प्रखंड अध्यक्ष बनाए गए हैं। हमें आशा ही नहीं, काफ़ी उम्मीद है कि इन लोगों के नेतृत्व में पार्टी काफ़ी मजबूती होगी और मजबूती प्रदान भी करेंगे। और हमारे पूर्व विधायक बड़े भाई कमलुल्ला साहब ने कहा है कि बूथ लेवल पर कमेटी बने, पंचायत अध्यक्ष पर बने, वैसे सारे नेताओं का नज़र हमारे सीमांचल में है और सदियों से रहा है, लेकिन सीमांचल की जनताओं ने उसको ध्वस्त किया है, और इस मरतबा भी ध्वस्त हुआ। पीके हो जाए, एमआईएम हो जाए, एमआईएम के महानेता बड़का बड़का जुबान वाले लोग भी लगातार 3-4 मरतबा से यहाँ इलेक्शन हार रहे हैं। पैदा होना जैसा सत्य है वैसा मरना ही सत्य है। लोग इलेक्शन लड़ते हैं, सबका अधिकार है। टीका टिप्पणी किसी पर हम लोग नहीं करेंगे। हमारी पार्टी कल भी जीती थी और पूरे सीमांचल में इस मरतबा जीत का लहर दोहराएगा। बस हम अनुरोध करेंगे सालिम बाबू से और मकबूल बाबू से, मकबूल बाबू से तो बहुत मेरा उम्मीद है, और सालिम बाबू से भी हमारा उम्मीद है कि लोगों के नेतृत्व में बेहतर कमेटी बना कर करके आगे लोग दौरा करेंगे। और हमारे जिला अध्यक्ष महोदय काफ़ी उम्र होने के बावजूद भी आज भी इस धूप में वो 70 किलोमीटर चल कर के आए हैं, और जब से बने हैं तब से बेशुमार पार्टी वगैरह हर तरह का करते हैं, मौत में शराब में देख रहे हैं, किसी में अटेंड कर पाते हैं किसी में नहीं कर पाते हैं। इनके हिसाब से जो पार्टी में वर्क होना चाहिए हुआ, भागना तो इलेक्शन के बगल में बड़के बड़ा बड़ा महारथी लोग भाग जाते हैं, तो यहाँ प्रखंड अध्यक्ष का बात है तो किसी के जाने से समुंदर है। लालू यादव की पार्टी और ये बिहार तक मौजूद नहीं है, लालू यादव के
गुणों को लेकर के पूरे देश में और दुनिया में डंका बज रहा है, और हम लोग आशा करते हैं कि हम 2025 में आदरणीय श्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में चुनेंगे और बेहतरीन ढंग से चुनेंगे। और हर वोटर जो आदमी थोड़ा नेतागिरी वगैरह करता है वही रोड पर पार्टी के साथ इधर उधर घूमता है, जो ओरिजिनल लोग हैं देहात में ग्रामीण क्षेत्र में, वो आरजेडी का दामन, कांग्रेस का दामन, जो गठबंधन के पार्टी सहयोगी लोग हैं वो साथ में हैं, और निश्चित रूप से हम लोग कामयाब होंगे। यही उम्मीद के साथ आप लोगों को दोनों को बेहतरीन ढंग से मुबारकबाद देते हैं, सालिम बाबू को भी और मकबूल बाबू को भी, और मकबूल बाबू से गुजारिश करते हैं तो मकबूल बाबू आप ऐसे भी आपका 3-4 आरजेडी के नए प्रखंड अध्यक्ष आपको बनाया गया, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जो थे वो दूसरे पार्टी में शामिल हो गए, पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए क्या प्रयास रहेगा? देखिए, पार्टी को मजबूती करने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम उसको करेंगे, और इससे पहले भी हम युवा प्रखंड अध्यक्ष लगातार 3 साल से रहे हैं, और 2017 से इस पार्टी में हम जुड़े हुए हैं और निष्ठापूर्वक हम इस पर काम कर रहे हैं। निस्वार्थ पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, और वहाँ से जो भी अच्छे लीडरशिप टाइप के लोग होंगे, जो कि आपको निस्वार्थ काम करने वाले लोग होंगे, युवा होंगे, उसको हम लोग जोड़ेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 2025 में विधानसभा का चुनाव है, क्या लगता है कि पार्टी संगठन अगर मजबूत होगी तो पार्टी को उससे क्या फायदा, क्योंकि पूर्व में जो प्रखंड अध्यक्ष थे वो दूसरे पार्टी में शामिल हो गए? देखिए, ये निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा कि ये राजद ऑलरेडी पहले से ही यहाँ इस क्षेत्र में बहुत ही मजबूत है, राजद को यहाँ हिला नहीं सकता, और 2025 में तेजस्वी की सरकार आना तय है, इसमें कोई बात नहीं है कि कोई दोहराई नहीं है, और रहा सवाल किसी के जाने का तो उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और पार्टी को इससे क्षति भी नहीं, कोई नया नया आता है साल डेढ़ साल में अपना ज़मीन तलाशने के लिए छोड़ के चला जाता है, इससे पार्टी को फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ बहुत पुराने लीडर हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसको देख के हम लोग उसको आइडल मान के आगे कर रहे हैं, हम भी 2017 से हैं और इंशाल्लाह आगे करेंगे। आरजेडी के प्रखंड के युवा अध्यक्ष आपको बनाया गया, पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए क्या प्रयास रहेगा? जी, देखिए, आज जिला से जो आए हुए थे हमारे राजद के जितने भी कार्यकर्ता थे, जिला अध्यक्ष थे, माननीय विधायक सऊद आलम सर थे, मुश्ताक आलम साहब, जो भी लोग थे, उन लोगों ने आज जो मुझे जिम्मेवारी दिया गया है प्रखंड युवा अध्यक्ष का, हम लोग यही करेंगे कि हर पंचायत में जाके संगठन को मजबूत कराएंगे, और आने वाला 2025 में हर हाल में हम लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और बनाएंगे, उसी के लिए हम लोग यानी राजद के लिए हर हाल में प्रयास, और जहाँ जो करना पड़े हर तरह से मेहनत, पंचायत से लेकर हर जगह में बस ये करेंगे, मेहनत करेंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम लोग यही प्रयास रहेगा कि आने वाला 2025 में हमारे तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, इसी बात से आप सभी को मेरी तरफ से आने के लिए धन्यवाद, बोलने के लिए यहाँ आने के लिए सभी पत्रकारों को। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए ठाकुरगंज नगर क्षेत्र में आज बैठक की गई, नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई, क्या लगता है इन लोगों से पार्टी मजबूत होगी? बिल्कुल 100% मजबूत होगी। हम लोगों ने एक मजबूत नेतृत्व यहाँ पर जो सालिम भाई हैं जिसको प्रखंड अध्यक्ष के रूप में हम लोगों ने मनोनीत किया है, इसका प्रखंड अध्यक्ष के लिए हम लोगों ने प्रदेश में अनुशंसा करके भेज दिए थे, प्रदेश से भी स्वीकृत हो गया, ये हमारे प्रखंड अध्यक्ष नए प्रखंड अध्यक्ष हैं, उसी के सम्मान के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, उसको हम लोग फूल माला से सम्मानित किए हैं, और पूरी उम्मीद एक विश्वास के साथ में सालिम भाई पर है कि प्रखंड कमेटी को पूरी तरह से मजबूत करेंगे और प्रखंड कमेटी को विस्तार करेंगे, और नए कमेटी, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रखंड अध्यक्ष थे जो दूसरे तरफ चले गए, इसीलिए आज ये ज़रूरत आन पड़ी कि इनको हम लोग प्रखंड अध्यक्ष बनाए हैं, और युवा के लिए हम लोग अनुशंसा करके भेजेंगे, युवा के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे हम लोग कहेंगे कि मकबूल साहब को यहाँ पर सारे लोगों ने एक अनुशंसा किया, सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि मकबूल साहब को यहाँ पर युवा के प्रखंड अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसको भी हम लोग फूल माला से सम्मानित किए हैं, और दोनों पर एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, और उम्मीद करते हैं कि दोनों अपने अपने जिम्मेवारी को निर्वाहन करेंगे, और यहाँ पर प्रखंड के युवा को और प्रखंड के जो मेन विंग को है ये लोग मजबूत करेंगे और विस्तार करेंगे, और 2200 पंचायत में अपने अपने विंग का पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे, क्योंकि अभी प्रदेश में एक मीटिंग हुई थी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का एक प्रोग्राम हम लोगों के यहाँ पर संभवतः हम समझते हैं कि इसके बाद पूजा के बाद एक प्रोग्राम तय होगा, जिनका साफ संवाद प्रखंड पंचायत के
पंचायत अध्यक्ष से सारा संवाद होगा, प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं सारे लोगों को लेकर के बैठ कर के संवाद करेंगे, एक कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन होगा, उसमें संभवतः समझिए कि पूजा के बाद इधर तय होगा सीमांचल में, उसमें हम लोगों का किशनगंज भी होगा। तो इसीलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि पंचायत को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए, पंचायत इकाई ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो, हमारे 22 पंचायत में पंचायत अध्यक्ष हों, युवा के भी पंचायत अध्यक्ष हों और मेन विंग के भी पंचायत अध्यक्ष हों, और प्रखंड को पूरी तरह से विस्तार करें और युवा के भी प्रखंड को विस्तार करके पंचायत के वार्ड तक, सिर्फ पंचायत अध्यक्ष तक ही सीमित नहीं है, पंचायत अध्यक्ष को बना करके ये निर्देशित कर दिया जाए कि अपने अपने पंचायत के अंतर्गत बूथ कमेटी भी बनाए, ये लोग एक बूथ में 15 आदमी का कमेटी बनाए, क्योंकि ये 2025 आने वाला है और 2025 चुनावी समझिए के साल होगा, उस साल चुनावी साल में सारे लोग मिलजुल करके जो प्रदेश नेतृत्व यहाँ पर हमारे विधायक जी हैं, विधायक सोहद असरार साहब हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल भी सोहद असरार साहब को यहाँ से टिकट मिलेगी। जब पंचायत मजबूत होगा, वार्ड मजबूत होगा, प्रखंड मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा, तो इसका पूरा पूरा फायदा हमारे सोहद असरार साहब को मिलेगा, और सोहद असरार साहब उम्मीद करते हैं कि 2025 में फिर इनको उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि टिकट भी मिलेगी और ये जीत करके पटना भी जाएंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ में हम चाहते हैं कि प्रखंड और पंचायत और हमारा जिला मजबूत हो, संगठन मजबूत हो, जब संगठन मजबूत होगा तो फायदा यहाँ के जो प्रत्याशी होंगे उनको मिलेगा। इसीलिए आज इस सम्मान समारोह में हम लोग आए थे और सारे लोगों को फूल माला और बुके देकर के हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया। पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जो थे यहाँ के ग्रामीण जी, वो जन स्वराज में शामिल हो गए, क्या लगता है कि जन स्वराज सीमांचल क्षेत्र में जन स्वराज अपना पेड़ पसार रहे हैं, राजद के कई कार्यकर्ता उस पर शामिल? हम लोग किसी का नाम नहीं लेते हैं संजय के, नहीं किसी का नाम नहीं लेते हैं, कौन क्या करता है नहीं करता है, सबको जो है ना सीमांचल ही जगह मिलता है। सीमांचल में ये लोग सेकुलर वोट को बांटने के लिए यहाँ पर सीमांचल में आ कर के अपना पांव जमाना चाहते हैं, लेकिन आज ऑनलाइन का ज़माना है और मीडिया का ज़माना है, पोर्टल मीडिया का ज़माना है, सारे लोग गांव के जन जन तक जागे हुए हैं कि यहाँ पर सेकुलर वोट को काट करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम नहीं करेंगे। ये जितने भी पार्टियाँ यहाँ पर आती हैं सब धातल में चले जाएंगे, यहाँ कोई नहीं है, राजद रहेगा यहाँ पर और राजद ही सेकुलर जमात का पार्टी बनकर के उभरेगा, बिहार में राजद का मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। कौन आ रहा है कौन जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कौन यहाँ आएगा कौन जाएगा उस पर हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, कोई यहाँ पर नहीं है, जो है यहाँ पर राजद है और मजबूत है, और आने वाला कल राजद मजबूत होकर के यहाँ से विधायक बना करके भेजेगा और पटना में हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बनेंगे। सीमांचल में जन स्वराज पार्टी आ जाने से क्या लगता है, राजद को किसी प्रकार की कोई तकलीफ या? कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई नुकसान एक तरफ से पूर्व से ही MIM यहाँ पर है, फिर जन स्वराज आ जाना, सब आदमी जान गया है कि ये लोग BJP के बी टीम बन करके यहाँ पर आते हैं और BJP के बी टीम बन करके यहाँ पर सेकुलर वोट को, सेकुलर जमात की वोट को काटने का प्रयास करेगा। मैंने पहले ही कह दिया कि गांव-गांव तक हर आदमी जाग चुका है कि हमारी वोट को कोई भी काटेगा नहीं, हम किसी भी वोट को बटने नहीं देंगे और कटने नहीं देंगे, इसलिए कितनों भी पार्टी आ जाता है उससे राजद को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो जितना आता है वो अपना अपना काम कर रहा है उससे कोई फर्क राजद को पड़ने वाला नहीं है।